यस स्टूडेंट्स, दिस इज योर पोएम, सेकंड फर्स्ट पोएम आफ्टर फर्स्ट चैप्टर. सो लुकिंग ग्लास रिवर. ग्लास रिवर क्या होता है? बिल्कुल चमकीला पानी होता है. पानी जो होता है बिल्कुल साफ दिखने वाला. पानी के अंदर जो भी आपके जो क्रिएचर्स हैं सब दिख रहे हैं, उसे कहते हैं हम ग्लास वाटर. तो ग्लास रिवर है, उसे देख रहा है कोई बच्चे, चिल्ड्रन जो हैं वो देख रहे हैं. इसके जो पोएट हैं वो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. स्मूथ इट ग्लाइड्स अपॉन इट्स ट्रेवल, हेयर अ विम्पल देयर अ ग्लीम, ओ द क्लीन ग्रेवल, ओ द स्मूथ स्ट्रीम. स्मूथ इट ग्लाइड्स, ग्लाइड्स मीन्स होता है फिसलना. तो मतलब इतनी ग्लाइड्स है रिवर जो है वो इतनी इस पर सब मतलब रिवर के आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब आपकी जो सैंड होती है वो कैसी है, ग्लाइड्स है, बहुत ज़्यादा फिसलने वाली है, फिसलती है. अपॉन इट्स ट्रेवल, ट्रेवल जब हम इस पर ट्रेवल करते हैं तो क्या करती है ये, फिसलती है. हेयर अ विम्पल देयर ए ग्लीम. विम्पल मीन्स क्या होता है, कर्व इन अ रिवर. कर्व मतलब बैंड होता है ना, रिवर सीधी जाती रहती है फिर थोड़ा सा कर्व आ जाता है. तो हेयर अ विम्पल देयर ए ग्लीम, तो उसमें क्या है, रिवर में एक कर्व है, बैंड है. ओ द क्लीन ग्रेवल, ग्रेवल होती है बजरी, जो सैंड होती है उसे ग्रीन, तो उससे किससे कहा गया है यहाँ पे, ग्रेवल से कह रहा है. ओ द क्लीन ग्रेवल, ग्रेवल भी, ग्रेवल भी कैसी है, सैंड भी कैसी है, कंकर जो है ग्रेवल है जो पानी में ग्लास रिवर में साफ दिख रहे हैं, तो उनसे कह रहे हैं कि ओ द क्लीन ग्रेवल, ओ द स्मूथ स्ट्रीम, स्ट्रीम जो है पानी बह रहा है वो भी कैसा है, बिल्कुल क्लीन है, है ना. तो उसे कह रहा है कि ये क्या है, स्मूथ इट ग्लाइड्स अपॉन इट्स ट्रेवल. जब हम इस पर ट्रैवल करते हैं नदी में, रिवर में जब हम ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, तो वो क्या करती है, फिसलते हैं हम इस पर आके. ठीक है, सेलिंग ब्लॉसम्स सिल्वर फिशेज पाविन पूल्स एज क्लियर एज एयर, हाउ अ चाइल्ड विशेज टू लीव डाउन देयर. सेलिंग ब्लॉसम्स सिल्वर फिशेज, सेलिंग यानी तैरना. तो सिल्वर जो ब्लॉसम्स फूल जो हैं वो तैर रहे हैं, सैल कर रहे हैं. सिल्वर फिशेज वाइट कलर की शिप्स फिशेज भी आपको दिख रही हैं. पाविन पूल्स, पाविन पूल्स होता है क्लियर वाटर वाला, जो स्मूथ एंड क्लियर वाटर. तो जो सिल्वर फिशेज हैं वो स्मूथ और क्लियर वाटर में इतना साफ दिख रही हैं फिशेज तैरती हुई ग्लास रिवर में, एज एयर, जैसे कि एयर होती है बिल्कुल क्लियर. हाउ अ चाइल्ड विशेज टू लीव डाउन देयर, और चाइल्ड की क्या विशेज है, क्या इच्छा है चाइल्ड की, कि वो नीचे उसमें जाकर तैरे, रहे वहाँ पर. वी कैन सी अवर कलर्ड फेसेस फ्लोटिंग ऑन द शेकन पूल. शेकन पूल क्यों कहा है, क्योंकि पानी जो है वो हिलता रहता है, हम उसे पत्थर डालते हैं तो हिलता है पानी. तो फ्लोटिंग ऑन द, हम देख सकते हैं हमारे कलर्ड फेसेस फ्लोटिंग ऑन द शेकन पूल. शेकन पूल में फ्लोट करते हुए, तैरते हुए, मतलब जब पानी में हम अपना फेस देखते हैं तो वो हिलता हुआ नज़र आता है, फ्लोट करता हुआ नज़र आता है. डाउन इन कूल प्लेसेस डिम एंड वेरी कूल, डिम धुंधला, कि हमारा जब पानी में फेस जाता है दिखता है उसमें, हम पानी हिलता रहता है तो उसमें हमारा फेस भी धुंधला धुंधला सा डिम सा दिखाई देता है. टिल अ विंड और वाटर रिंकल डिपिंग मार्टिन प्लम्पिंग ट्राउट. अब मार्टिन क्या है, अ टाइप ऑफ सी एनिमल या वाटर एनिमल, एंड ट्राउट, प्लम्पिंग ट्राउट क्या है, हेल्दी फिश. ट्राउट का मीन्स यहाँ पर फिश से है जो कि बहुत हेल्दी है, और मार्टिन भी एक टाइप ऑफ वाटर एनिमल. तो टिल अ विंड और वाटर रिंकल, जब तक क्या करते हैं, टिल मीन्स तक, तो टिल अ विंड और वाटर रिंकल, रिंकल जब पानी से, विंड से, हवा से जब पानी जो होता है वो हिलता है उसमें, तो क्या होता है, रिंकल पड़ जाते हैं, जैसे हमारे फेस पर रिंकल पड़ जाते हैं, या कपड़े को हम पकड़ के इसे अपनी मुट्ठी में दबा लें तो वो कपड़े पर रिंकल सल पड़ जाते हैं, तो सल पानी में रिंकल पड़ जाते हैं. डिपिंग मार्टिन प्लम्पिंग ट्राउट स्प्लिट्स इन अ ट्विंकल एंड ब्लाउट ब्लोट्स ऑल आउट. ब्लोट्स ऑल आउट यहाँ पर एवरीथिंग फ्रॉम व्यू मीन्स कि डिपिंग मीन्स होता है डूबना. तो पानी में जब वो डुबकी लगाते हैं मार्टिन और प्लम्पिंग ट्राउट, मतलब हेल्दी फिश, तो स्प्रेड्स इन अ ट्विंकल, तो वो पानी जो है वो क्या होता है, स्प्रेड्स, फैल जाता है. ट्विंकल दिन का टाइम है तो सन की रोशनी से ट्विंकल करेगा, चमचमाएगा, और रात का टाइम है तो मून से चमचमाएगा पानी. ठीक है, एंड ऑल ऑल ब्लॉट्स ऑल अबाउट, ऑल ब्लॉट्स ऑल अबाउट, और वो सभी हमें व्यू में, एवरीथिंग
हाइड्स एवरीथिंग फ्रॉम व्यू, मतलब सब कुछ फिर वो हमारा सब कुछ छुप जाता है, मतलब जब हम फेस देखते रहते हैं ना तब जैसे ही ड्रिपिंग डिप करता है मार्टन या प्लेम्पिंग ट्राउट तो वो क्या होता है पूरा पानी उससे हमारे जो जितने भी व्यूज़ होते हैं वो बिल्कुल हमारे सामने से हाइड हो जाते हैं, हमारा फेस दिखना बंद हो जाता है क्योंकि उसमें रिंकल पड़ जाते हैं, सल पड़ जाते हैं। ठीक है, सी द रिंग्स परस्यू ईच अदर, सी द रिंग्स पड़ते हैं ना पानी में, हम पत्थर डालेंगे तो एकदम रिंग्स गोल गोल दूर दूर तक रिंग्स जाते हैं तो फॉलो करते हैं। परस्यू का मीन्स क्या है यहाँ पे, फॉलो ईच अदर, सी द रिंग्स फॉलो ईच अदर, जो रिंग्स होते हैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं, मतलब एक पत्थर डालेंगे हम पानी में या कोई डिप करेगा कोई फिशेज वगैरह उसमें तो वो रिंग्स, एक रिंग बनता है फिर सेकेंड रिंग बनता है फिर थर्ड रिंग बनता है, तो एक दूसरे को वो परस्यू करते हैं यानी फॉलो करते हैं। एंड ब्लो ग्रोज ब्लैक एज नाइट जस्ट एज इफ़ मदर हैड ब्लोन आउट द लाइट, फिर एकदम क्या लगता है एकदम डार्क हो जाता है वो जैसे कि मदर ने लाइट को बंद कर दिया हो। क्यों हो जाता है वो ब्लैक, क्योंकि जब वो ख़त्म हो जाता है तो एकदम फिर से ब्लैक ब्लैक सा अंदर से सब कुछ दिखने लग जाता है। ठीक है ना, मतलब जो क्लियरिटी है वो ख़त्म हो जाती है जैसे कि लाइट मदर ने आके बंद कर दी, ब्लोन आउट। पेशेंस चिल्ड्रन, पेशेंस मीन्स सबर रखना, पेशेंस चिल्ड्रन जस्ट अ मिनट, एक मिनट के लिए पेशेंस रखो। सी द स्प्रेडिंग सर्कल्स ड्राई, ड्राई का मीन्स क्या है यहाँ पे, गायब होना, डिसअपीयर। सी द स्प्रेडिंग सर्कल्स, जो स्प्रेडिंग सर्कल्स था मतलब जब आप बच्चे जब अपना पानी में फेस देख रहे होते हैं तो जब मार्टन और प्लम्बिंग ट्राउट है वो उसमें डिप करती हैं तो क्या होता है उनका फेस एकदम गायब हो जाता है ना, ब्लैक ब्लैक हो जाता है रिंग की वजह से, सर्किल की वजह से सर्किल बनता है। तो बच्चों से पॉइंट क्या कह रहे हैं कि पेशेंस चिल्ड्रन जस्ट अ मिनट, सी द स्प्रेडिंग सर्कल्स ड्राई, द स्ट्रीम एंड ऑल इन इट विल क्लियर बाय एंड बाय सून और जाए डिसअपीयर। तो देखो स्प्रेडिंग सर्कल्स जो है ना वो बिल्कुल एक के बाद एक बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, फिर से तुम अपना फेस इसमें ग्लास रिवर में देख पाओगे, इसके अंदर जो आपके ग्रावेल है मीन्स टू से जो कंकर है सैंड है वो सब आपको उसमें और आपके जो कलर्ड फेसेस हैं वो सब आपको दिख जाएंगे, ये रिंकल्स ख़त्म होते ही, रिंकल्स जो सर्कल्स बने हैं फिशेस के जंपिंग की वजह से डिपिंग की वजह से वो सब ख़त्म हो जाएंगे, फिर से तुम अपना फेस देख पाओगे। ओके दिस इज़ योर पोएम एंड अप, ओके।